हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नासरीन इलेक्ट्रिक स्टिच में। आज हम एक मिक्सी ग्राइंडर रिपेयर करना सीखेंगे जो ब्लैक डेकर का है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं क्या फॉल्ट है। तो ये इसका प्लग है, ये मेरे पास प्लग नहीं है, सॉकेट नहीं है। तो मैं इसे चुट्टे की मदद से वायर जोड़ के उसके बाद मैं चेक करूँगा। और उससे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक फ्यूज है और फ्यूज को हम निकाल के पहले चेक कर लेते हैं। यह पूरी तरह से डेड बता रहा है। तो ये इसका फ्यूज है जो 13 एम्पियर लिखा हुआ है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है मशीन। तो मीटर ये कंटिन्यूटी मोड पे है, हम देख सकते हैं। तो फ्यूज ओके बता रहा है। फ्यूज हम डाल लेते हैं, उसके बाद हम लाइन देकर चेक करेंगे। चलिए, हमने ये चुट्टा लगा दिया। उसके बाद हम सीरीज लाइन में लाइन देंगे, फिर हम चेक करते हैं। तो ये इसका पुश है और इधर एक दो, तो पुश हम ही करके देखेंगे। तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चलिए इसे हम खोलते हैं, लाइन को हटा लेते हैं। तो हमने इसे ऑलरेडी खोल रखा है। बट मुझे भी मालूम नहीं इसमें क्या फॉल्ट है, मैंने खोल के नहीं देखा इसमें। तो चलिए हम इसे बाहर करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। ये इसका स्विच है, हो सकता है स्विच भी ख़राब होगा, नहीं तो इसमें रिसेट एमसीबी होगा तो वो भी ख़राब हो सकता है। लेकिन अभी तक तो मुझे रिसेट एमसीबी नहीं मिला है, जो जैसे कि वो ख़राब हो जाए तो बंद हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें फ्यूज डाला हुआ है इसीलिए रिसेट एमसीबी नहीं लगा है। चलिए इसे हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पे जो 4 स्क्रू है उसे हमें खोलना पड़ेगा। तो चलिए बाहर निकालते हैं, उससे पहले हम इसे साइड कर लेते हैं। ये आसानी से साइड हो जाता है, पूरा अनबॉक्स रहता है। खोलने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा लें ताकि न्यू अपडेट वीडियो आपके पास जल्द आए। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, अच्छा चलता भी है। और ये इसका बनावट भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। तो हमने कवर को साइड रख लिया है, ये आप देख सकते हैं। और चलिए इसमें देखते हैं किस किस प्रोडक्ट्स का यूज़ किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, ये फील्ड कॉइल हो गया और ये आर्मेचर, ये कार्बन कार्बन ओके अभी। और यहाँ पे एक मूव है, जो हमारा वोल्ट ज़्यादा आएगा तो ये ब्रेक कर देगा और फ्यूज हमारा उड़ जाएगा। और यहाँ पर एक पंखे भी लगाया हुआ है जो मोटर का जो गर्मी है उसे खींच के बाहर करेगा। काफ़ी अच्छी सिस्टम है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर है जो 0.22 माइक्रोफैरड का है और 275 वोल्ट तक ये वर्क करेगा। और आर्मेचर और फील्ड दोनों देखने में ओके लग रहा है। और चलिए इसमें हम देख लेते हैं और क्या है। तो यहाँ पे एक 3 पोल का स्विच है जो कॉमन और 1 और 2। और यहाँ पे एक पुशअप स्विच है जो जब बर्तन लगाया जाएगा तभी यहाँ पे ये चालू होगा मशीन, नहीं तो नहीं चालू होगा। आप किसी तरह से भी चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा ये, जब तक बर्तन नहीं लगेगा तब तक ये चालू नहीं होगा। तो चलिए इसमें हम वोल्ट चेक करते हैं, वोल्ट कहाँ पे आ रहा है और कहाँ से ब्रेक है। चलिए हम लाइन को प्लग में देते हैं, उसके बाद हम फ्यूज हम आपको चेक करके बता दिए थे फ्यूज ओके है। इसमें इस तरह का फॉल्ट या तो वायर ख़राब हो सकता है, या तो फ्यूज ख़राब हो सकता है, या तो पुश स्विच बटन ख़राब हो सकता है, या कार्बन ख़राब हो सकता है, और या तो स्विच भी ख़राब हो सकता है। तो इसमें लाइन नहीं आने का इतना ही फॉल्ट हो सकता है। चलिए इसकी हम वोल्ट चेक करते हैं, कहाँ पर आ रहा है और कहाँ से ब्रेक है। तो चलिए
इसे हम लाइन में डाल लेते हैं। और उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको हम दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे आ रहा है 238 बता रहा है। उसके बाद ये स्विच पर हम देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वायर हो सकता है ख़राब होगा तो उसके कारण भी यहाँ पे वोल्ट नहीं आएगा। उससे पहले हम वायर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे एक फेज है, यहाँ पे न्यूट्रल है और इसे हम लाइन भी बोलते हैं और निगेटिव भी बोलते हैं। यहाँ पे वोल्ट आ रहा है 230 वोल्ट यहाँ पे भी आ रहा है। उसके बाद हम स्विच आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी हम देख लेते हैं। तो आपको हम दिखाते हैं, देखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लगा लिए तो यहाँ पे भी वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे एक साइड डायोड होगा, डायोड ही है जो वोल्ट को कम करता है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं ये जो पुश स्विच है ये आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि बर्तन अभी लगाया हुआ है। स्विच यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये हमने यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया और ये निगेटिव। वायर टाइम मल्टीमीटर को उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे वोल्ट हमारा नहीं आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये पुश स्विच है, जब तक ये पुश नहीं होगा तब तक ऑन नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पुश जो बटन है ये अभी ऑन नहीं है और ये जो बर्तन भी लगाया हुआ है। तो शायद हो सकता है ये जो बटन है जो दाबता है पुश करता है इसे वो टूट गया होगा या फिर किसी कारण से ये चालू नहीं हो रहा है पुश। तो चलिए हम देखते हैं क्या फॉल्ट है। इसे हम आपको दाब के दिखाते हैं, ये चालू हो जाएगा लगभग में। तो देख सकते हैं ये चालू हो गया, इधर पंखी हमारा सटा हुआ है इसलिए नहीं ब्रेक हो गया था। चलिए अब देखते हैं चेक कर, ये ओके है। तो चलिए इसकी प्रॉब्लम यहाँ से पुश स्विच से है। तो या तो हम पुश स्विच को डायरेक्ट कर दें या हम इसे, इसका सामान तो मिलेगा नहीं तो हम देख लेते हैं पहले क्या फॉल्ट है यहाँ पे, उसके बाद हम उसी हिसाब से काम करेंगे। तो बर्तन को हम पैर बाहर निकालते उसके उससे पहले आप लाइन काट लें, लाइन हमने काट लिया। उसके बाद बर्तन को हम बाहर निकाल लें, बर्तन का ये कवर है, बर्तन अभी सेट नहीं है। और यहाँ पे एक आप देख सकते हैं बटन है जो टूटा हुआ है, इसमें बर्तन लगता है तब ये पुश होकर नीचे जाता है, उसके बाद पुश स्विच हमारा ऑन होता है, उसके बाद ये हमारा चालू होता है। तो यहाँ पे ये टूटा हुआ है तो इसे हम या तो नीचे दाब देंगे या फिर उसे हम डायरेक्ट कर देंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं क्योंकि ये मिलेगा नहीं जल्दी से, और इसमें हम दूसरा भी जुगाड़ लगा सकते हैं पर वो चलेगा नहीं क्योंकि ये बार बार खुलता है लगता है। तो ये हमें डायरेक्ट ही कर देने में फ़ायदा है। इसमें फ्यूज भी लगाया हुआ है तो कोई फॉल्ट होगा तो फ्यूज भी उड़ सकता है। इसमें काफ़ी कुछ लगाया हुआ है जो सुरक्षित के लिए, मोटर को सुरक्षित के लिए। इस पुश स्विच को हम डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, इसे साइड कर देते हैं। तो हमने वायर को कट कर लिया है और उसके बाद हम स्विच को बाहर कर लिए और इसे हम जोड़ के सोल्ड करके टेप मार लेंगे। ये हमारे जो लॉकर मशीन में चाहे कोई मशीन में जो रिसेट MCB लगाया हुआ होता है, इस तरह का सिस्टम नहीं होता है, जो अच्छी क्वालिटी की मशीन होती है उसी में सिस्टम होता है। इसे हम डायरेक्ट करके इसे हम साइड कर लेंगे और इससे दूसरा कोई विकल्प भी नहीं होता है। अगर हम उसे यहाँ पे किसी जुगाड़ की मदद से अगर इसे हम बनाते भी तो ज़्यादा दिन नहीं चलता, फिर से ख़राब हो जाता, इसीलिए हम इसे डायरेक्टिंग कर दिए क्योंकि ये बार बार खुलता है, बार बार यूज होता है। इसे हम अच्छी तरह से टाइट करके उसे हम टैप मार लेंगे। हमने सोल्ड करके इसे टैप मार लिया और इसे हम यहाँ पे बांध लेते हैं ताकि इधर उधर जाए नहीं, इधर उधर भटके नहीं। यहाँ पे हम एक टाई मार लेते हैं
ये हमने इसे कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद हम इसे जिस तरह से टाइट किया हुआ था उस तरह से टाइट करके उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। हमने इसे टाइट कर लिया है और चलिए अब इसकी टेस्टिंग देखते हैं। हमने इधर प्लग में भी वायर जोड़ लिया है, तो चलिए हमने लाइन को दे दिया। उसके बाद हम पहले हम पुश करेंगे, उसके बाद हम एक पे देंगे। तो पुश देखें आप चल रहा है, और पुश में हमारा हाई होता है, लो नहीं होता। जैसे कि पुश में एक हमारा कम चलेगा और दो हमारा ज़्यादा चलेगा। तो पुश में सिस्टम होता है हाई का, ताकि तेज़ी से ना चाहे उसके बाद एक पे सीधा चला जाए या दो पे चला जाए, एक पे रखे या दो पे रखे। तो ये रिपेयर हो चुका है, इसमें प्रॉब्लम पुश स्विच की थी। तो काफ़ी अच्छी तरह से हमने आपको समझाया, तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला किस तरह से ख़राब होने पे कौन सा फॉल्ट हो सकता है और इसमें क्या फॉल्ट था आपने देखा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, ताकि न्यू अपडेटेड वीडियो आपके पास जल्द आए। धन्यवाद।